राधे राधे कैसी राधे कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। आज हम हमारे कान्हा जी के लिए इस तरह की बहुत ही खूबसूरत कली डिजाइन की ये पोशाक बनाएंगे। ये पोशाक इसमें ना तो हमने सिला है और ना ही ये इसे हमने सिलके बनाया है और ना ही इसे हमने चुपका कर बनाया है। ये हमने एक नई टेक्निक से ये पोशाक बनाई है और इसी तरह से सेम हमने ये एक और पोशाक बनाई है। आप ये देखेंगे ये दोनों पोशाक में काफ़ी अंतर है, लेकिन ये बनाई एक ही टेक्निक से गई हैं। आज हम ये दोनों तरह की पोशाकें बनाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। ड्रेस बनाने के लिए हम इस तरह के ये नेट ले लेंगे। ये नेट आसानी से मार्केट में मिल जाती है, बैग वगैरह में या ड्रेसेस वगैरह में अस्तर की तरह इसका यूज़ किया जाता है। ये हार्ड होती है थोड़ी, ठीक है, और ये धुलने के बाद ख़राब भी नहीं होती, इसी शेप में रहती है। तो हम इस तरह की एक नेट ले लेंगे और एक कान्हा जी की पोशाक के साइज़ के हिसाब से एक हम ये जैसे पोशाक है तो इतना बड़ा ये एक सर्कल हमें बनाना है। तो इसके हिसाब से हम कोई भी एक राउंड सर्कल से इसे हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब इसे लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से कट करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे सर्कल को, एक बार, दो बार, ठीक है, और तीन बार, ठीक है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम ये जो लाइंस हैं फोल्ड हैं इन पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। इस सभी फोल्ड पर हमको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पर भी हम कर देंगे इस तरह से। एक खोल देंगे इसे और अंदर वाले पीस पर भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ऐसे, और यहाँ भी अंदर से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस पर, ठीक है, इस पर भी। अभी हर पीस पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, ये बचा है इस पर भी कर देंगे, ठीक है। इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इससे कान्हा जी की कमर के हिसाब से यहाँ पर एक कट लगा लेंगे, ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से खोलिए और पोशाक रखेंगे ऐसे, ठीक है। ये पोशाक रख कर हम यहाँ पर कमर पर इस तरह से निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब ये जो हमने निशान लगा लिया है कमर पर इस तरह से, ठीक है, अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है एक हम बीच में से यहाँ से कट लगाएंगे खोलने के लिए, और जो हमने निशान लगाया है इसे हम काट देंगे, ठीक है, इस तरह से। अभी हमने कट कर दिया है, अभी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है हमने, इन्हें हमने डार्क कर लिया है, ठीक है। अभी बेस बन गया है। अब हमने नेट के फैब्रिक लिए हैं रेड और स्काई ब्लू कलर के, इनको हमने 2.5 इंच और 2 इंच के हमने पीस कट कर लिए हैं, ठीक है। 2.5 इंच की लंबाई है, 2 इंच की चौड़ाई है। इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है, और नीचे से इस तरह से ऊपर की तरफ हम डालेंगे थोड़ा सा, एक लाइन हम किनारे पे छोड़ देंगे, इस तरह से सेकंड होल से इसे डालेंगे और ऐसे ही दूसरा छोर भी, एक होल में से हमने ये डाला है, ठीक है, और दूसरे होल में से हम दूसरा सिरा डाल देंगे फैब्रिक का इस तरह से। अब इन दोनों को बराबर पकड़ लेंगे ऐसे और यहाँ पर गांठ बांध देंगे,
ठीक है, इस तरह से ये हम गांठ बांध देंगे। तो गांठ बांधने के बाद ये इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा ये, ठीक है। अब ऐसे ही एक और फैब्रिक लेंगे, दूसरा फैब्रिक लेंगे, इसको भी इसी तरह से। अब ये जो हमने इन होल में बांधा है, ठीक है, इसके बिल्कुल पास वाले होल में फिर से बांधेंगे फैब्रिक, ठीक है। हर होल में हमें बांधने हैं, ये गैपिंग नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से ये निकाल देंगे, अब दूसरा सिरा दूसरे होल में डाल देंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से डालकर यहाँ हम गांठ लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये पास पास जो हम बांधेंगे तो ये इस तरह से आएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जो फर्स्ट हमने लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, ये जो हमने पीसेस बन गए हैं अलग अलग, तो जैसे फर्स्ट पीस है, एक में हमें स्काई ब्लू बांधना है, एक में रेड, फिर स्काई ब्लू रेड, स्काई ब्लू रेड, इसी तरह से ये हम हर पीस में अलग कलर बांधेंगे। ये दोनों कलर हम दोहराते जाएंगे, ठीक है, और इस तरह से इसे पूरा फिल कर लेंगे। लेकिन हमें कमर पर थोड़ा सा एक जो होल है कमर पर छोड़ देंगे, एक हम साइड में छोड़ देंगे, एक हम नीचे छोड़ देंगे, ठीक है। अभी इतना इस तरह से देखिए, हमने पूरे में ये फैब्रिक बांध लिया है और अलग अलग पीस पे अलग अलग कलर बांध के इस तरह से कली बन गई ये नीचे से इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर ये हर हमने होल में हिसाब से फैब्रिक बांध दिया है, ठीक है। अब हम ये 1 इंच चौड़ा हमने ये नेट का फैब्रिक लंबी पट्टी कट कर ली है। अब इसे हम यहाँ से, अब ये जो किनारे हमने छोड़े थे, अब इन किनारों को सही करने के लिए, फिनिशिंग के लिए, और ये चुभे ना कान्हा जी के, इसलिए हम ये इस तरह से पट्टी को, सिरे को इसमें से डालेंगे गुल में से, ठीक है। सीधा रखिएगा, लंबाई में ऐसे ऐसे खींचेंगे, ठीक है। अब इस सिरे को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, और ये जो पट्टी है अब इसे इस तरह से हमें घुमाते हुए इस पर ऐसे, अब ये नीचे निकल रहा है, फिर ऊपर से डाल देंगे फैब्रिक को और होल में से ये एक होल को हम छोड़ देंगे, एक छोड़ेंगे गैप, सेकंड वाले में डालेंगे, ठीक है। इस तरह से इसको सामने कर देंगे और इसे यहाँ पर ऐसे खींचते जाएंगे, ठीक है, ऐसे। अब इसे खींच के देखेंगे आप तो ये इस तरह से बंद हो गए किनारे, अब ये चुभेंगे भी नहीं और यहाँ पर किनारा भी बन गया। अब ऐसे ही हम एक एक होल को छोड़ते हुए इसमें पट्टी को डालते जाएंगे, यहाँ छोड़ेंगे और इस होल में से इसको डाल देंगे, ठीक है। ये हम किनारे बना रहे हैं तो ये याद रखें कि ये जो किनारे पर हमने पट्टी बांधी है ये ऊपर की तरफ ना आ जाए, ये इस तरह से ये यहाँ पर ये बनता जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे ही हमें ये किनारे किनारे चलाते हुए नीचे पूरे पर, यहाँ किनारे 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 यहाँ पर और कमर पर, सब पर हमें ये ऐसे ही पट्टी लगा देंगे, ठीक है। पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं। ये इस तरह से देखिए हमने किनारे किनारे यहाँ पर डाल दिया ये, ठीक है, फैब्रिक ये यहाँ पर किनारे इसके बंद होकर और कमर पर भी डाल दिया हमने ये,
ठीक है। अब ये जितनी भी पट्टी बचेगी एक्स्ट्रा, इसकी यहाँ पर गांठ लगाकर इसे काट देंगे, ठीक है। इसे गांठ लगा देंगे यहाँ पर दो बार बस, ठीक है। और इसे कट कर देंगे यहाँ से। अब ये नीचे का हमारा बेस बनकर तैयार हो गया है पोशाक का। अब इस पर हम ऊपर टॉप बनाएंगे। टॉप बनाने के लिए हमने ये 1.5 इंच चौड़े ये नेट के फैब्रिक की लंबी लंबी पट्टी कट कर ली है, ठीक है। इस तरह से दोनों कलर की हमने पट्टी कट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो ड्रेस का मिड पॉइंट, या तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, ये अगर कोई पीस बड़ा हो तो उसको कट कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे इसका जो मिड पॉइंट है ये यहाँ पर 2, 4, 6 और बीच में 8 यहाँ पर ना, तो ये इसका मिड पॉइंट है। या इस तरह से भी आप ड्रेस को पकड़ेंगे घेर को, तो यहाँ पर ये मिड पॉइंट आएगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट है इनके बीचों बीच। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये पट्टियाँ डाल देते हैं, यहाँ पर इस तरह से नीचे डालेंगे और फिर ऊपर निकाल देंगे इसको पट्टी को, ठीक है। इस तरह से ये हमने निकाल दी। अब ऐसे ही इधर उधर हम रेड कलर की लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से ये पट्टी बांधने के बाद ये हमने इतना बांधना है कि जो मिड पोर्शन से हमने बांधनी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो मिड पोर्शन से यहाँ तक ये जो कोना होगा, एक कोने से मिड पोर्शन तक के हाफ पॉइंट तक, ठीक है, हमें ये बांधने हैं, ठीक है। तो हमारी यहाँ तक 5 पट्टी आई हैं। एक ब्लू बीच में हमने बांधी थी, इधर उधर 2 रेड और फिर 2 ब्लू, ठीक है। तो अब जो हमने कॉर्नर पर ब्लू पट्टी बांधी थी, ये वाली सबसे कोने पर जो हमने बांधी है, इसको हम यहाँ पर एक छोर हम लंबा रहने देंगे और एक को हम छोटा कर देंगे और यहाँ पर गांठ लगा देंगे, जैसे ये हमारे फैब्रिक हैं और इनके जितना हम इसको काट देंगे, ठीक है। इस तरह से अभी पता नहीं चल रहा जोड़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हाफ मिड पॉइंट पर हमने जो पट्टी बांधी थी, इसके 2 सिरे हैं, तो एक सिरा ले लेंगे, एक इधर साइड के लिए रहने देंगे किधर, ठीक है। इस तरह से अब ये जो ब्लू एक है, ठीक है, ब्लू भी एक है, ये भी एक है, तो इन दोनों को इस तरह से हम यहाँ पर एक गांठ बांध देंगे, ठीक है। इधर से भी हमने ब्लू का एक छोड़ दिया और इधर से भी एक कर दिया और ये रेड हमारे 2 हैं, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ कर ऐसे इन्हें जैसे एक पट्टी बटते हैं डोरी, इस तरह से इन्हें हम बटते जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम इसके जो किनारे हैं इन्हें दबा देंगे अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है। इस तरह से दबा देंगे किनारे, ऐसे ही इसके भी किनारे दबा देंगे, दोनों पट्टियों के इधर से ऐसे, ठीक है। अब हम इसको इस तरह से यहाँ पर ऐसे घुमाते जाएंगे, किनारे अंदर करते जाएंगे और ऐसे इसे घुमाते जाएंगे। हमें ढीला ढीला रखना है, बहुत टाइट नहीं करना है, ठीक है, इस तरह से। देखिए हमें कान्हा जी की टॉप बनानी है, उतनी बड़ी हम ये पट्टी इस तरह से बनाने के बाद अब हम इसे कॉर्नर पर यहाँ से नीचे डालेंगे होल में, एक सिरे को ठीक है, एक ही होल में से हम दोनों फैब्रिक डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमने डाल दिए,
इन्हें एक बराबर खींच देंगे। अब ऐसे ही इसके पास वाले होल में हम ये रेड कलर डाल देंगे फैब्रिक यहाँ से। ठीक है, वैसे ही दूसरा सिरा भी डाल देंगे इसका। अभी दोनों सिरे डालने के बाद इसे ठीक कर लेंगे किनारे को इसके पहले। ठीक है, इसको खींच कर यहाँ पर इसे इस तरह से पकड़ लेंगे, इन्हें बराबर बराबर कर देंगे बिल्कुल। ऐसे ही इसको भी ठीक कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए दोनों सही हो गए बिल्कुल क्लियर। होने के बाद अब हम इसे नीचे यहाँ पर गांठ लगा देंगे। ठीक है, एक ब्लू और रेड में यहाँ गांठ लगाएंगे डबल। ठीक है, ऐसे ही दूसरी जो पट्टी है एक एक दूसरे हैं ऐसे ही दूसरे में भी यहाँ गांठ लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से अभी गांठ लग गई। ठीक है, अगर आपकी पट्टी ये ज़्यादा बड़ी हैं तो आप यहाँ पर होल हैं अगर नीचे से ऊपर निकाल कर यहाँ पर गांठ बांध दें, नहीं तो यहाँ पर ही इसको यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारे ब्लू किनारे पर हमने ब्लू लगा रखा है तो हम रेड कट कर देंगे और ब्लू ऊपर निकाल कर यहाँ गांठ लगा देंगे। जिससे नीचे से यहाँ पर ऊपर की तरफ खिंचाव भी आ जाए टॉप में और ये जो होल हैं ये भी फिल हो जाए। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पर एक गांठ बांध देंगे और जितनी बड़ी फैब्रिक है इतनी बड़ी इसको कट कर देंगे। ठीक है, अब ये टॉप का एक पोर्शन बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही सेम हम दूसरा भी बना लेंगे। ठीक है, अब दूसरी तरह की ड्रेस बनाने के लिए हमने ये एक और वैसे ही बेस कट कर लिया है। अब इस पर हम एक जिगजैग डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से स्केल रखकर ऐसे। ये टेलरिंग स्केल है, इसके हमने 8-8 सेंटीमीटर ले लिया है, 8-8 मार्क तक हमने इसको लिया है और इस पर हम इस तरह से ये जिगजैग डिज़ाइन पूरे जो बेस है इस पर हम बनाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमने इस तरह से यहाँ पर बस देखेंगे तो ये डिज़ाइन यहाँ पर लाइन ये आईडी के लिए हमने ये लगा ली है। ठीक है, इस तरह से ये लाइन नज़र आएगी। ये पूरे पर बनाने के बाद हमने नेट के फैब्रिक ले लिए हैं दो कलर के। ठीक है, इन्हें हमने कट कर लिया है। ये हमने 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है फैब्रिक। ठीक है, और 5 इंच इसकी हमने लगभग लंबाई ली है। 5 इंच इसकी लंबाई है, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई। ठीक है, अब जो हमने जिगजैग का पैटर्न बनाया है इस पर हम वैसे ही पट्टी बांधते जाएंगे जैसे हमने अपनी पहली ड्रेस पे बांधी थी। पोर्शन पर ये बांध दी है पट्टी और ये देखिए, इस देखेंगे आप तो ये सिर्फ इतने पोर्शन पर है। बैक साइड से देखेंगे तो पता चलेगा ये जो जिगजैग हमने बनाया था जो नीचे वाला पोर्शन है सिर्फ इस पर है ये पट्टी। ठीक है, अभी ऊपर नहीं बंधी है, ये नीचे से ही इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब हम इस पर ये दूसरे कलर की पट्टी बांधेंगे। ये हमने क्रीमिश कलर लिया है। अब जैसे ये जो बैक साइड से ही हम बांधेंगे ये जो पिंक लाइन है इसके बाद जो नेक्स्ट होल है, ठीक है, इसी से हमें बांधना है। यहाँ पर हम डालेंगे फैब्रिक का एक किनारा डाल देंगे। इसमें इस तरह से, ठीक है, एक किनारा इधर डाल दिया, एक किनारा
दूसरे होल में डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से अब इन्हें ऊपर की तरफ ऐसे खींच देंगे और यहाँ पर गांठ बांध देंगे। ठीक है, ऐसे ऊपर, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब ऐसे ही हम ये बांधते जाएंगे। अपने ड्रेस पर, पूरे पर एक अच्छा लुक देने के लिए ये बड़े राउंड सिल्वर कलर के सितारे सीक्वेंस लगा दिए हैं, पूरे पर पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी एक डिज़ाइन देने के लिए, और ऐसे भी यूज़ नहीं किए हैं कि जो हमारी ड्रेस के डिज़ाइन को दबाएं, बस थोड़ा सा उसको और खूबसूरत बना दें। और टॉप पर भी हमने ऐसे ही ऊपर की तरफ लगा दिए हैं, बस नीचे नहीं लगाएंगे, नहीं कान्हा जी के चुभेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर इस तरह से लाइन पर हमने ये लगा दिया है। ठीक है, और ये हमारे कान्हा जी की खूबसूरत सी पोशाक बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हमें अलग अलग डिज़ाइन से बना सकते हैं, जैसे इसमें हमने एक कली की शेप में बनाया है, चाहे तो हम एक सर्कल में एक कलर की बांधें, दूसरे में दूसरे, इस तरह से मल्टी कलर लेयर्स के साथ भी इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, और इसे बनाना बहुत आसान है। आप जिस साइज़ के आपको फैब्रिक चाहिए, आप चाह रहे हैं थोड़ा सा और ऊँचे उठें, थोड़ी और ऊँची बना सकते हैं, या जैसे हमने ये दूसरी वाली जो ड्रेस बनाई है इसमें हमने ये बड़े बड़े लगाए हैं। आप ये देखेंगे कि इसमें छोटा फैब्रिक है, साइज़ दोनों ड्रेस का सेम है, लेकिन इसमें हमने जो फैब्रिक है छोटे साइज़ के बांधे थे और इसमें हमने बड़े बांधे थे, और इसमें हमने ये ज़िगज़ैग डिज़ाइन बनाई थी, और ये दोनों हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई। ये ड्रेस खुद इतनी फूली हुई है, तो इसमें जो हमने टॉप है ये हमने बिल्कुल सिंपल रखी है, सिंपल ये डोरी लगा दी है यहाँ पर टॉप के लिए। ठीक है, और ये एक ही टेक्निक से, दोनों ड्रेसें एक ही टेक्निक से बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है दिखने में। इसी तरह से आप फैब्रिक की लंबाई को कम या ज़्यादा करते हुए ड्रेसेस को एक ही टेक्निक से अलग अलग डिज़ाइन की ड्रेसेस बना सकते हैं। और ये हमारे कान्हा जी की खूबसूरत सी ड्रेसेस बनकर तैयार हो गई हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मैया और कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस एक्सेसरीज बनाने के लिए हमारे चैनल के श्री राधे कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।